चलो मैं आपसे वादा किया था कि आपको मैं यहाँ लोहात ब्याड़ी में एक ऐसा गेस्ट हाउस दिखाऊंगा जहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत मैसर होगी। तो ये देखें, यहाँ सबसे पहले आपको इनके बाहर का मनाजर दिखाएं। यहाँ पर ये जी आलू बुखारे का दरख्त है, ये देखें, और ये सामने सेब का दरख्त है। तो ये इनका देखें आप गेस्ट हाउस है। तो इरशाद भाई हैं खुद, तो अभी हमें पूरा विजिट करवाएंगे अपने गेस्ट हाउस का। तो साजिद भाई भी हमारे साथ है जिनके पास कल हम आए थे, और उन्होंने बताया था कि कब्रिस्तान के बिल्कुल अपोजिट साइड है, राइट साइड के। और अगर नीचे का व्यू कराऊँ, नीचे बिल्कुल दरिया है, आगे से जाके हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले लकड़ी से देखें आप, पूरा का पूरा गेस्ट हाउस लकड़ी से बना हुआ है। सही है, ऊपर चलेंगे हम आपको दिखाएंगे। क्या बात है गाइस, ये देखें माशाल्लाह, देखें सारा का सारा काम हुआ है। इनके फुली फर्निश्ड तैयार कमरे हैं इनके, और लकड़ के बने हुए सब चीजें। ये देखें आप, ये लकड़ के बेड हैं, और सारी की सारी जो सीलिंग है ना, सारा काम है। दो कमरे खोल में दरवाजे देखें, ये देखें ये दूसरा कमरा है, और माशाल्लाह पूरी की पूरी सीलिंग हुई है। और सबसे बेहतरीन बात, लाइट हो ना हो, सोलर का इनके निजाम है इनका। लाइट यहाँ पे नहीं, वैसे भी सोलर सिस्टम हमने लगाया था। सोलर लाइटें लगी हुई है, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, सोलर काम कर रहा है, काम करते हैं। और देखें फिर लकड़ के बने हुए तैयार है, ऊपर सीलिंग हुई है, वीआईपी देखें आप, गेस्ट हाउस सब खुले कमरे हैं। सही, और किराया भी इनके इनके मुनासिब है, इंशाल्लाह मुनासिब है हमारे। अभी आपको मैं वॉशरूम का वजह बताता हूँ, अभी वॉशरूम दिखाएंगे जी। तो ये देखें वॉशरूम के बाहर इनका ये बेसन है हाथ में धोने के लिए, शीशे आईना इनका। क्या बात, ये पानी भी चालू है, चश्मे के साथ पानी है, ठीक है, दरिया का पानी नहीं। क्या बात है, ये इरशाद भाई, देखे जी लकड़ी और ठंडा पानी, ठंडा पानी चश्मे का पानी है। और ये देखे वॉशरूम, वाह, इस जगह पर भी देखें इनको बोर्ड लगा हुआ है इनका, और साथ ये सामने शावर, शावर भी, शावर भी लगा हुआ है। तमाम चीजें ये देखें, क्या बात। अभी मैं आपको आगे सामने का व्यू दिखाता हूँ भाई, जब आपको सामने का व्यू दिखाएंगे ये, और बड़ा कमाल का व्यू, आवाज़ चेंज होगी है। और जनवरी यहाँ पे सामने ग्लेशियर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो तकरीबन 16 से 17 सेंटीग्रेड होगा। ये एक और कमरा है, ये देखें आप, ये हमारा तीसरा कमरा है, लाइट जा रही है अभी भी यहाँ पर, और चार बंदों के लिए ये कमरा काफी है, दो बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। तो देखो इसके अलावा, और ये काफी कुशादा कमरा है, तकरीबन 20x20 फुट इसका होगा साइज। और ये भी देखें एक और कमरा है इनका, और ऊपर सीलिंग हुई है, और साइडों पे तमाम लकड़ लगी है, और ब्यार की लकड़ है जी। क्या बात, हालांकि जगह का नाम ब्याड़ी है, यहाँ पे ब्याड़ी ज्यादा है, जिनको कायल बताया जाता है। ये सामने वाला व्यू, इससे भी चश्मे का साफ पानी है, ठीक है। क्या बात, माशाल्लाह, ये चश्मे का साफ पानी, तो ये आगे वाला वाशरूम है, खुला कुशादा वाशरूम है, लाइट है, पानी का सिस्टम, हर चीज है। क्या बात, अभी सामने का व्यू गाइस आप देखें, ये चार रात जो है ये नीचे भी जा सकते हैं, नाले तक भी जा सकते हैं, ये बिल्कुल रास्ता सामने से, ये हमारे जो नाला फर्स्ट नाला था उससे नीचे ये इसका रास्ता जाता है, तो भाई वहाँ पर भी जाके फुल एंजॉय कर सकते हैं। भाई या अरशाद भाई का ये कहना, अगर कोई लाहौर से आता है, कहीं और से आता है, तो उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट ये दरिया के पास भी रख सकते हैं, वहाँ पर आपको बूंद सैर का इंतजाम भी हो सकता है, बारबेक्यू का इंतजाम भी हो सकता है, और यहाँ पे जो बकरे वगैरह भी हर चीज सब मौजूद हो खाने पीने का, और इनके अंदर किराया भी इंतहाई मुनासिब है, मुनासिब कमरों का, ठीक है। अगर सुविधाएं तमाम मौजूद हैं,
पानी गर्म चाहिए वो भी मिल जाएगा, हर चीज हमारे उनको। ये कहना है कि आपको मरी की तरह हम नहीं कहेंगे, नहीं वो लूटने वाला काम नहीं है, तो भाई जुलाई के मौसम में इधर आलू बुखारे भी तैयार हो जाते हैं और चेरी भी, चेरी और आलू बुखारे जिसे इस यहाँ की जुबान में ग्लास कहा जाता है, ग्लास कहते हैं यहाँ पर, काफी ज्यादा है नीचे पौधे हैं, इसके दरख्त लगे हुए हैं सामने ऊपर भी हैं और नीचे भी, और उनका कहना है कि वो चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी क्योंकि सुबह आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो ये आपका आप इस साइड देखें तकरीबन ये 40 फुट से ज्यादा है, इधर भी 30-35 फुट है और ये देखें फुल लकड़ पे काम हुआ हुआ। जब आप गर्मी से तंग आए हुए इस जगह पर जब आप बैठेंगे ना यकीन माने आपकी वो पूरे साल की थकन खत्म हो जाएगी। और पीछे नीचे का नज़ारा देखें, इस सामने चेरी के दरख्त है, ये देखें सामने चेरी के दरख्त है, सामने चेरी के दरख्त, ये देखें आपको दिखाइए चेरी के दरख्त है जिसे देसी जुबान में ग्लास कहा जाता है, और नीचे सिटिंग अरेंजमेंट में दरिया के पास हो जाएगा के पास जाए। और बून फायर के इंतजाम भी है और मुनासिब रेट रेट। तो ये अरशाद भाई थे, जो गाइज अगर आपको आना हो तो आप बुकिंग करा सकते हैं, इनका व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर है 0355-760-1304। तो व्हाट्सएप नंबर का नंबर है, व्हाट्सएप यही चलो व्हाट्सएप जी, चाहे नंबर लगे जिन लगे व्हाट्सएप इनका, यानी कि ऑन होता है यहाँ पर होता है व्हाट्सएप ऑन होता है, सिंपल मैसेज भी कर सकते हैं, सिंपल मैसेज भी कर सकते हैं। सही है, इनका कहना है कि अगर आप मुजफ्फराबाद से आ रहे हो या पिंडी से आ रहे हो या लाहौर से आ रहे हो, आप बुकिंग करा दें और बुकिंग ना भी कराएं आपको एमरजेंसी बेसिस में भी एन टाइम अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो गाइज मैं कहता हूँ कि मेरा यानी कि एक्सपीरियंस है कि आपको इससे अच्छा गेस्ट हाउस नीलम वैली में नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी शानदार जगह आपको अपन नीलम में नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी यानी कि गिरा हुआ होता है, और सामने ये देखें आप ग्लेशियर है, और आज 18 जून है, ईद का दूसरा दिन है, लेकिन इसके बावजूद देखें यहाँ पे बर्फ़ और ठंडा, और यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक है तो सीधे ही मतलब पानी में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठंडी होती है वो खुद बिल्कुल नेचुरल फ्रिज है, यहाँ पे पानी रखने की जरूरत नहीं होती, क्या बात, वैसे भी ठंडी होती है। तो गाइज ये था लोहात बाला ब्याड़ी में मीर कॉन्टिनेंशियल गेस्ट हाउस, तो अगर आपने यहाँ आना हो, आपने विजिट करना हो, आपने फतना लेक जाना हो, यहाँ पर 4x4 गाड़ियाँ भी इनके पास मौजूद हैं, जैसे तमाम हर किस्म की सहूलत मौजूद है, मटन बीफ चिकन किसी किस्म की आपको चीज चाहिए हो तो लजीज खाने इनके पास मौजूद हैं और आपके सामने पकेंगे बेशक। तो गाइस आप मैं बनाना हो आप लाजमी विजिट करें, यहाँ इससे खूबसूरत गेस्ट हाउस आपको नहीं मिलेगा। शुक्रिया।